जीत ले हम सारी दुनिया, पीछे हमें अपने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। हम आज की शुरुआत एक क्रियाकलाप से करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप पूरा आनंद लेकर स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, आपकी माँ प्यार से खाना परोस रही है और बार बार मनुहार कर रही है। जब आपका पेट भर जाएगा तब आप क्या कहेंगे? क्या आप दोनों इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत ही अच्छा अभिनय था। आप कहेंगे बस अब मैं और नहीं खा सकता, या मेरा पेट भर गया है, या मुझे और खाना नहीं चाहिए इत्यादि। उस समय आपके मन में कौन सी भावना होगी? क्या आप एक उचित शब्द सोचकर बता सकते हैं? सही कहा, वो शब्द है संतुष्टि। संतुष्टि। संतुष्टि क्या है? संतुष्टि वो भावना है जिससे ये महसूस होता है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या आपको किसी दावत के बाद कभी ऐसा लगा है कि आप पर्याप्त भोजन कर चुके हैं और आपको और कुछ नहीं चाहिए? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। आमतौर पर हम इस भावना के बारे में खाने पीने के संदर्भ में बात करते हैं, पर अन्य चीजों के बारे में भी इसकी बात अक्सर नहीं होती। आइए इस सत्र में संतुष्टि के बारे में और जानते हैं। क्या आपको कभी बुरा लगा है कि आपके पास कोई चीज नहीं है, जैसे कि कोई गुण या कोई कौशल? उदाहरण के लिए, आपकी बहन बहुत अच्छी तरह गाती है, पर चाहे आप कितनी भी कोशिश करें आप उतनी अच्छी तरह नहीं गा पाते। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है, मैं अपनी बहन की तरह क्यों नहीं गा सकता या गा सकती? या आपके दोस्त के पास एक अच्छा बैग, उसे देखकर ये सोचा हो कि काश मेरे पास भी ऐसा बैग होता, मैं अपनी बहन की तरह क्यों नहीं गा सकता या गा सकती, काश मेरे पास भी ऐसा बैग होता। क्या आप ऐसी भावना के बारे में सोच सकते हैं जब आपने ये जाना कि जो चीज किसी और के पास है वो आपके पास नहीं है? आपकी मदद के लिए मेरे पास दो वाक्य हैं, कृपया इन वाक्यों को अपनी नोटबुक में लिखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन और खुद के बारे में सोचकर इन वाक्यों को व्यक्तिगत रूप से पूरा करें। कृपया इसके बारे में किसी से भी चर्चा ना करें। क्या हम तैयार हैं? तो ये वाक्य इस तरह है, मैं उतना या उतनी रिक्त स्थान नहीं हूं कि मैं रिक्त स्थान, मेरे पास उतना रिक्त स्थान नहीं है कि मैं रिक्त स्थान। क्रियाकलाप करने के लिए धन्यवाद। यह संभव है
कि आप में से कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि आप उतने लंबे नहीं हैं या पतले नहीं हैं या फिर उतने सुंदर नहीं हैं इत्यादि। इसका मतलब है कि पहले वाक्य में आपने खुद को वैसा बताया होगा जैसे कि आप हैं। दूसरे वाक्य में आपने अपनी वस्तुओं के बारे में बताया होगा, जैसे कि आपके पास पर्याप्त जेब खर्च या जूते या कपड़े इत्यादि नहीं हैं। अब फिर से सोचकर ये बताइए कि आपने अपने गुणों या भौतिक वस्तुओं को किस मापदंड के अनुसार आंका? क्या आपके दिमाग में कोई व्यक्ति था? हमने देखा कि इन वाक्यों में तुलना की गई थी। सबने अपने अपने हिसाब से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से तुलना की होगी। ऐसी तुलना करने में अनोखी बात क्या है? हमेशा कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास हमसे ज्यादा चीजें होंगी और अपर्याप्त होने की भावना इसी तरह चलती रहेगी। इससे ईर्ष्या पैदा होगी और तो और एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा सामने आ जाएगी और ये सिलसिला इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए खुद को अपर्याप्त समझते हुए दूसरों से तुलना करना निरर्थक है। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम ईर्ष्या करते हुए दूसरों से तुलना ना करें। आइए अब एक परिस्थिति देखते हैं। खरीदारी करना मधु का सबसे मनपसंद शौक है। उसे खुद के लिए चीजें खरीदना पसंद है और वो इससे कभी उबती नहीं है। वो अपनी माँ के साथ दीपावली के लिए कपड़े खरीदने गई। माँ ने पहली दुकान से ही उसे उसकी पसंद के कपड़े दिलवाए। बातें करते हुए जब वो एक दुकान के पास से गुजर रहे थे तो उसे एक सुंदर ड्रेस नजर आई। उसे वो ड्रेस चाहिए थी और वो माँ से जिद करने लगी। आपको क्या लगता है, माँ ने उससे क्या कहा होगा? क्या दो विद्यार्थी इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। हमने देखा कि मधु बिन किसी ठोस वजह के खुश हो रही थी। वो अपने खरीदारी के शौक को पूरा करके खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे जो पसंद है वो करने के बाद भी उसे वास्तव में खुशी नहीं मिल रही थी। ऐसा हुआ क्योंकि वो ये बात नहीं समझ पाई कि जो उसके पास है उसकी सराहना करने से ही उसे खुशी मिलेगी। उसे अपनी चीज़ों को सराहना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसमें संतुष्टि की भावना पैदा हो, नहीं तो वो बिना किसी उद्देश्य के एक चक्र में गोल गोल घूमती रहेगी। अगर वो इस बात को समझ जाएगी तो उसे सच्ची खुशी मिलेगी। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम उन चीजों को सराहें जो हमारे पास है। इसीलिए ज्ञानी ने कहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने से संतुष्टि नहीं मिलती, हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, इस बात की समझ होने से संतुष्टि मिलती है। मैं दोहराता हूं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने से संतुष्टि नहीं मिलती, हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, इस बात की समझ होने से संतुष्टि मिलती है। आइए इस परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आपको एक लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए आप बस स्टॉप पर खड़े हैं। यात्रा में जो खाने पीने का सामान चाहिए वो लेने के लिए आप पास की एक दुकान पर जाते हैं। वापस आकर आप देखते हैं कि बस तो जा चुकी है। अब आप क्या करेंगे? इस बात का शोक मनाएंगे कि जरा सी देर की वजह से आपकी बस छूट गई, या फिर अगली बस का इंतजार करेंगे, या फिर निराश होकर घर चले जाएंगे? एक
इस बात का शोक मनाएंगे कि जरा सी देर की वजह से आपकी बस छूट गई। दो, अगली बस का इंतजार करेंगे। तीन, निराश होकर घर चले जाएंगे। अगर आप घर चले गए तो आप यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। जो हो चुका है उसका अफसोस करने से भी कोई फायदा नहीं है। समझदारी इसी में होगी कि आप अगली बस के आने का इंतजार करें। हमने इससे क्या सीखा? एक लक्ष्य के लिए काम करना, उसमें सक्रिय रूप से जुट जाना और अंत में उसको पाने की संतुष्टि से हमें खुशी मिलती है। इस भावना से हमारा खुद पर और अपनी योग्यताओं पर विश्वास बढ़ जाता है। एक निश्चित लक्ष्य होने से हमारा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है और हम अपनी चिंताओं के बारे में नहीं सोचते। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए काम करें। क्या अब हम एक परिस्थिति पर ध्यान दें? अगले दिन इंद्रजीत की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। एक बड़ी समस्या की वजह से उसके शहर में बिजली नहीं है। उसने अंत में जो अभ्यास करने की योजना बनाई थी वो अब पूरी नहीं हो सकती। इस बारे में सोचकर वो पूरी रात नहीं सो पाया। उसका उदास चेहरा देखकर उसके दोस्त वरुण ने उससे कहा, अब चलो भी इंद्रजीत, जाकर परीक्षा लिखो और अपना ध्यान इस बात पर रखना कि तुम्हें अच्छी तरह परीक्षा देनी है। क्या आप दोनों वरुण और इंद्रजीत की इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास था। हमने देखा कि रात को अभ्यास न कर पाने की वजह से दुखी होने की जगह इंद्रजीत को जो याद है उसके आधार पर परीक्षा देकर वो संतुष्ट हो सकता है। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पड़ोस के घर से आया 3 साल का बच्चा गलती से आपकी विज्ञान की लेबोरेटरी नोटबुक पर स्याही गिरा देता है। आप क्या करेंगे? एक, बच्चे को पीटेंगे। दो, गुस्से में नोटबुक फाड़ देंगे। तीन, बच्चे को माफ कर देंगे और नई नोटबुक में लिखना शुरू कर देंगे। बच्चे को पीटने से या फिर नोटबुक को फाड़ने से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। इस नुकसान को ठीक नहीं किया जा सकता। इस परिस्थिति में सबसे उचित होगा कि आप उस बच्चे को माफ कर दें और नई नोटबुक में लिखना शुरू करें। किसी व्यक्ति के व्यवहार की वजह से कभी ना कभी हम सबको दुख पहुंचा है। शुरुआत में हमें बहुत कष्ट हुआ होगा और बुरा लगा होगा, पर कुछ समय के बाद हमने उन्हें माफ कर दिया होगा और इसे जीवन के एक अनुभव की तरह समझकर आगे बढ़ गए होंगे। इससे हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में एक बात पता चलती है। दया और क्षमा दिखाकर खुद को समझने से हमें जीवन में संतुष्टि मिलती है। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम उदारता से दूसरों की गलतियों को भुला दें और उन्हें माफ कर दें। क्या आपने कभी दूसरों की गलती को भुलाकर उन्हें माफ करके उदारता दिखाई है? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? संतुष्टि वो भावना है जिससे ये महसूस होता है
कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम ईर्ष्या करते हुए दूसरों से तुलना ना करें, उन चीजों को सराहें जो हमारे पास है, एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए काम करें, उदारता से दूसरों की गलतियों को भुला दें और उन्हें माफ कर दें। नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? पिछले सत्र में हमने सीखा था कि संतुष्टि वो भावना है जिससे ये महसूस होता है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम ईर्ष्या करते हुए दूसरों से तुलना ना करें, उन चीजों को सराहें जो हमारे पास है, एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए काम करें, उदारता से दूसरों की गलतियों को भुला दें और उन्हें माफ कर दें। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप जल्दबाजी में स्कूल जा रहे हैं, आपके आगे एक साइकिल वाला सड़क के गड्ढे से टकराकर गिर गया। आप क्या करेंगे? दौड़कर उसकी मदद करेंगे? उसे कहेंगे क्या तुम संभल कर नहीं चल सकते, और वहां से चले जाएंगे? उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और अपना काम करेंगे? एक, दौड़कर उसकी मदद करेंगे। दो, उसे कहेंगे क्या तुम संभल कर नहीं चल सकते और वहां से चले जाएंगे। तीन, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे और अपना काम करेंगे। जब किसी को चोट लगी हो तो उस व्यक्ति पर ध्यान न देना अनुचित व्यवहार है। केवल सलाह देने से भी किसी पीड़ित व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलेगी। उसकी मदद के लिए दौड़कर जाना ही इस परिस्थिति में सबसे उचित होगा। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। इससे हमें लगता है कि हम सार्थक रूप से किसी के जीवन में योगदान दे रहे हैं। हम उन्हें किसी परेशानी से बाहर निकलने का मौका देते हैं और इस प्रक्रिया में अपनी ताकत और अच्छाइयों को भी पहचान पाते हैं। दूसरों की परेशानियों और चिंताओं को बांटने से हम में बंधुत्व और समानुभूति की भावना आती है। इससे हम खुद को किसी काबिल समझ पाते हैं। जब हम खुद की कद्र करना सीखते हैं तो हमें संतुष्टि मिलती है। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम जिम्मेदारी के साथ दूसरों की मदद करें। क्या आपने कभी जरूरत के समय किसी की मदद की है? जरूरत का अर्थ है किसी भी तरह की जरूरत, जैसे कि आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक इत्यादि। तब आपको कैसा लगा? क्या आप उस घटना के बारे में सबको बता सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। काव्या पढ़ाई में ठीक ठाक है। उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके पापा ने वादा किया कि अगर वो कक्षा के सबसे अच्छे 4 विद्यार्थियों में अपना नाम ले आएगी तो वो उसे घड़ी दिलाएंगी। काव्या ने ये चुनौती स्वीकार की और अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा में 4th नंबर पर आई। परिवार में किसी सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से जो पैसे घड़ी के लिए बचाए थे वो दवाइयों पर खर्च हो गए, इसलिए काव्या को घड़ी नहीं मिली। काव्या को क्या करना चाहिए? अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए
क्योंकि उन्होंने वादा तोड़ दिया। अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत नहीं करनी चाहिए, या फिर समझदारी दिखाते हुए परिस्थिति के अनुसार इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। एक, अपने पापा से बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वादा तोड़ दिया। दो, अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। तीन, समझदारी दिखाते हुए परिस्थिति के अनुसार इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। वादा पूरा न करने की वजह से पापा से बात न करना तो मूर्खता होगी। इस तरह निराश होना तो ये दर्शाता है कि वो समझदार नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि वो अपने पापा के इरादों को ठीक से समझ नहीं पाई है। अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत न करना भी उतना ही मूर्खतापूर्ण होगा। घड़ी न मिलने से उसे निराशा तो हुई होगी, पर परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काव्या को शिकायत नहीं करनी चाहिए और अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। इस परिस्थिति में ये प्रतिक्रिया ही सही होगी। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम निराशा को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करें। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। कुछ महीनों के बाद अपने वादे को याद रखते हुए काव्या के पापा ने उससे कहा कि अगर वो कक्षा में तीसरा नंबर लाएगी तो उसे घड़ी जरूर मिलेगी। आपको क्या लगता है, इस वार्तालाप में आगे क्या हुआ होगा? क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि समुद्र के किनारे एक बहुत ही मशहूर फिल्म स्टार खड़ा है। आपको क्या लगता है, वहां क्या हुआ होगा? क्या पांच विद्यार्थी आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? एक विद्यार्थी फिल्म स्टार बनेगा और बाकी विद्यार्थी उसके प्रशंसक। बहुत अच्छा प्रयास था। वो शांति के साथ उस जगह का आनंद नहीं उठा पाएगा। आम लोगों को लगता होगा कि फिल्मी सितारों के जीवन में बहुत प्रसिद्धि और दौलत होती है, पर दुर्भाग्यवश ये सही नहीं है। उनके लिए एक आम व्यक्ति का जीवन जीना संभव नहीं है। लोगों की निगाहें हर वक्त उन पर लगी रहती हैं। वे आम लोगों की तरह समुद्र के किनारे, पार्क में या फिर मंदिर में नहीं जा सकते। उन्हें बहुत ही मुश्किल से एकांतता मिलती है। हमें ये आभास होना चाहिए कि दौलत और प्रसिद्धि के लिए वे बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि हर गुलाब के साथ एक कांटा होता है, तो हम संतुष्टि की भावना को जान पाएंगे। जीवन का पूरा आनंद उठाने के लिए हर एक प्रकार का अनुभव जरूरी है। संतुलित जीवन जीने से हमें संतुष्टि मिलती है। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम संतुलित जीवन जीते हैं। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप नोटबुक में वो लिखें जो आपको अपने बारे में पसंद है। उदाहरण के लिए कोई गुण, व्यवहार, कौशल इत्यादि। क्या आपने क्रियाकलाप पूरा कर लिया? कृपया नोटबुक बंद करके रख दें। अब पांच पांच के समूह बनाएं। प्रत्येक समूह को पांच कागज दिए जाएंगे। प्रत्येक शीट पर टीम के एक एक सदस्य का नाम लिखें। कागज पर जिस सदस्य का नाम लिखा है, टीम के बाकी सदस्य उस कागज पर उसके गुण लिखेंगे।
उदाहरण के लिए, अगर पहले कागज पर अ का नाम लिखा है तो ब, स, द और च कागज पर लिखेंगे कि उन्हें अ के बारे में क्या पसंद है। इस तरह एक एक करके सभी सदस्यों के बारे में लिखा जाएगा। क्या आप समझ गए? क्या हम क्रियाकलाप शुरू करें? अब सबके पास वो कागज होगा जिसमें दूसरों ने लिखा है कि उन्हें आपके बारे में क्या पसंद है। अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वमूल्यांकन की तुलना उस मूल्यांकन से करनी है जो दूसरों ने उनके लिए किया है। क्या आपने तुलना कर ली? अगर दोनों मूल्यांकन एक जैसे थे तो ठीक है, अगर नहीं तो जो बातें दूसरों ने आपके बारे में कही हैं वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो हमारे पास अब क्या है? क्या आपने देखा कि आपके बारे में बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा? इनके बारे में जानकर अब आपके मन में जो भी शंकाएं थी वो दूर हो जाएंगी। अपने सकारात्मक गुणों को जानना और स्वीकार करना पहला चरण है। हम में जो भी अच्छे गुण हैं उनके लिए खुद को सराहना और आदर करना अगला चरण है। अपनी गलतियों को पहचानकर उन्हें स्वीकारना उसके बाद का चरण है। अंतिम चरण है उन गलतियों को सुधारना और उन्हें एक सकारात्मक रूप देना। ये चरण हमें खुशी और संतुष्टि तक पहुंचा सकते हैं। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम आत्म जागरूक बन जाते हैं। अब तक हमने संतुष्टि के बारे में सीखा और ये जाना कि उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब हम संतुष्टि के सकारात्मक परिणामों के बारे में जानेंगे। राजन राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। उसने क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद सेमीफाइनल में प्रवेश किया। जब उसे फाइनल में जाने की उम्मीद थी तब वो प्रतियोगिता से बाहर हो गया। अब राजन को क्या करना चाहिए? हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, मैच फिर से खेलने की आज्ञा मांगनी चाहिए, खुद पर तरस खाना चाहिए? एक, हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। दो, मैच फिर से खेलने की आज्ञा मांगनी चाहिए। तीन, खुद पर तरस खाना चाहिए। मैच फिर से खेलने की आज्ञा मांगना अनुचित होगा और खुद पर तरस खाने से भी कोई फायदा नहीं है। ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। बेहतर यह है कि वो पूरे आत्मसम्मान के साथ हार स्वीकार कर ले। ऐसा करने से उसे शांति मिलेगी। फाइनल में ना पहुंचने की अयोग्यता को स्वीकार करके उसकी समझदारी बढ़ेगी। उसमें ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं नहीं आएंगी और दूसरों के साथ उसके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। वो सहजता से परिस्थितियों को संभाल पाएगा। संतुष्टि के सकारात्मक परिणाम: शांति, सहनशीलता, बेहतर रिश्ते, सहजता। चलिए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए? क्या आप उनकी सूची बना सकते हैं? बाद में कुछ विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी सूची सबको पढ़कर सुना सकते हैं।
धन्यवाद। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? संतुष्टि वो भावना है जिससे ये महसूस होता है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त है, आपको और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती। हमें संतुष्टि मिल सकती है जब हम ईर्ष्या करते हुए दूसरों से तुलना ना करें, उन चीजों को सराहें जो हमारे पास है, एक लक्ष्य बनाएं और उसके लिए काम करें, उदारता से दूसरों की गलतियों को भुला दें और उन्हें माफ कर दें, जिम्मेदारी के साथ दूसरों की मदद करें, निराशा को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करें, संतुलित जीवन जीते हैं, आत्म जागरूक बन जाते हैं। संतुष्टि के सकारात्मक परिणाम शांति, सहनशीलता, बेहतर रिश्ते, सहजता। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।